कि आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे मुझे प्रश्न करने का अवसर दिया। अध्यक्ष जी, ये प्रश्न प्रदेश की आधी आबादी से जुड़ा हुआ है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन सरकार के लिए इसके कोई मायने नहीं है। सरकार महिलाओं को लेकर के बहुत ही असंवेदनशील है और मुझे लगता है कि महिलाओं को प्राथमिकता भी नहीं देना चाहती। अध्यक्ष जी, इस डबल इंजन की सरकार में महिलाएं कदम कदम पे अपने आप को असहाय महसूस कर रही हैं, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। आज चाहे वो प्रदेश की महिला हो, चाहे वो ग्रामीण अंचल में रहती है या फिर शहरी, वो अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है और वो कोशिश कर रही कि किस तरीके से सम्मानजनक रूप से अपने जीवन का यापन कर सके, लेकिन यह सरकार अपनी तरफ से कोई भी पहल नहीं कर रही है कि किस तरीके से महिलाओं को आगे बढ़ाया जा सके। अध्यक्ष जी, मेरा सवाल श्रम एवं सेवायोजन मंत्री जी से था कि सरकार के द्वारा महिलाओं के उत्थान हेतु क्या क्या योजनाएं बनाई गई और इन योजनाओं के अंतर्गत कुल कितनी महिलाएं हैं जिनका उत्थान हुआ है। अध्यक्ष जी, प्रदेश की सारी महिलाओं को यह जवाब सुन के आक्रोश भी आएगा और साथ ही साथ खुद पे हंसी भी आएगी कि उन्होंने किन्हें चुन करके यहां पे भेजा है, क्योंकि जवाब यह है। अध्यक्ष जी, मैं जवाब पे आ रही हूं। अध्यक्ष जी, जवाब पे नहीं, सवाल पे। जो जवाब है उसी से सवाल जुड़ा हुआ है। बताइए। और जवाब यह है कि कोई योजना नहीं है महिलाओं के लिए, और विगत 2017 से लेकर के 2023 तक की अगर हम बात करें तो उनमें सिर्फ और सिर्फ 44,000 महिलाएं हैं जिन्हें चयनित किया गया है। मंत्री जी, अगर आप जो आंकड़े दे रहे हैं उसके हिसाब से प्रत्येक वर्ष सिर्फ और सिर्फ 6,000 महिलाएं हैं जिन्हें चयनित किया गया, ये बड़ा ही निराशापूर्ण भी है और शर्मनाक भी है सरकार के लिए। अगर यह उत्तर आता, मैं आपके उत्तरों की तरफ गोलमोल ना घुमाते हुए और आपसे भी उम्मीद करती हूं कि स्पष्ट तरीके से जो मैं प्रश्न कर रही हूं उसका उत्तर आए, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं, जो कि आज 22 करोड़ की आबादी में आधी जनसंख्या हमारी है, उसके बावजूद भी इस आंकड़ों के साथ उत्तर आ रहे हैं, मैं आपसे ये जवाब चाहती हूं कि जिन 44,000 महिलाओं को आपके द्वारा रोजगार दिया गया, क्या आज भी 7 वर्षों में वो इस समय उस रोजगार पे हैं, और अगर हैं तो उनमें से कितनी सरकारी पे हैं और कितनी निजी संस्थानों में कार्यरत हैं, और उनमें से कितनी महिलाएं हैं जो पिछड़े वर्ग से हैं, दलित वर्ग में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाएं हैं जो उस पे कार्यरत हैं। ये मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरा यह है कि नारी बंधन विधेयक की बात करती है ये सरकार, डबल इंजन की सरकार, आज महिलाओं को प्राथमिकता ना देने की वजह से हमारा देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है, हमारा प्रदेश आगे नहीं बढ़ पा रहा है, और आज ये डबल इंजन की सरकार महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ अपनी चुनावी रैलियों में इस्तेमाल कर रही है, लेकिन जब उनके अधिकारों की बात होती है तो बातों को गोल मोल घुमाया जाता है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस सदन से ये पूछना चाहूंगी, क्या ये सरकार महिलाओं को निजी एवं सरकारी जो संस्थान है उनमें 33% आरक्षण देने के बारे में विचार करेगी और या नहीं, और अगर करेगी तो ये कब तक करेगी।